वेलकम फ्रेंड्स, पीबीआर स्टडी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार यदुवंशी आपके सामने आज भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स से कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के। ये पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। एक बात ध्यान दीजिए कि पर्यावरण के अंतर्गत बहुत कुछ आता है, जिसमें आपका भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था और इसके साथ साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्यावरण जो है ये बहुत विस्तृत है, तो इसमें बहुत कुछ आता है। तो थोड़ा परेशान मत होइएगा कि भाई इकोनॉमी कहाँ इसमें आ गया, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उनको पहले बता दे रहा हूँ। आपके पास जो सवाल होंगे उनके चार ऑप्शन होंगे और चारों ऑप्शन में से आपको एक उत्तर बताना होगा। आपके पास टाइम होगा 20 से 30 सेकंड का, ठीक है। उसी बीच में आपको कमेंट करना होगा, फिर हम आपको राइट आंसर बताएंगे, वो भी विस्तृत बताएंगे, एकदम अच्छे से बताएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, एक मिनट का टाइम हो चुका है। भारतीय की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? मतलब यहाँ पे जो लिखा गया ना बाबू, ये थोड़ा सा गड़बड़ है मुझे लग रहा है। पहले ही क्वेश्चन में भारत भारत होगा। भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। पहला सवाल है, मैं आपको जल्दी से आंसर बता देता हूँ, फिर देखिएगा आगे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो क्या करता है, भारत में जितनी भी आय होती है राष्ट्रीय आय, उसका संकलन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत की सांख्यिकी गतिविधियों के समांतर एवं राष्ट्रीय आय की वृद्धि और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। समझ गए ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समांतर यानी कि समानांतर एवं राष्ट्रीय आय की वृद्धि और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। दूसरा सवाल आपके सामने जो आ चुका है उसको भी जल्दी से देख ले। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, रहन सहन का स्तर, मुद्रास्फीति की दर। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आपको टाइम बता दिया गया होगा ना, पर्यावरण का क्लास कब होता है, उसी एक निश्चित टाइम पे होगा, ठीक है। शाम को 6 बजे और सुबह, शाम को 7 बजे, सुबह 6 बजे। कमेंट करिएगा, आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा जो निश्चित टाइम पे क्लास होगी हर दिन। बिल्कुल, कुछ डिस्टर्ब हो जाता है तो क्लास नहीं चल पाती है, नहीं तो हर दिन उसी टाइम पे होगी। अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9793488448 पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और क्लास ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सभी क्लास मिल सके। नहीं तो हो सकता है यूट्यूब पर आपको सभी क्लास ना मिल पाए। दूसरे सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ध्यान दीजिएगा क्या है ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे CPI कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CPI मतलब जानते हैं ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए, भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा तय किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी तथा महंगाई भत्ता समायोजित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह सूचकांक भी श्रम मंत्रालय में स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तीसरा सवाल आपके सामने आ चुका है। हमारी आपसे बार बार विनम्र अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि इस क्लास को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, चलिए देखिए, भारत में छपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, फैक्ट्री क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में? भारत में जो देखिए क्वेश्चन इन्होंने मिस्टेक किया टाइप करते समय, क्या भारत में छुपी बेरोजगारी, ठीक है, भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कृषि क्षेत्र में। जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में जो बेरोजगारी छुपी है वो कहाँ पर छिपी है? कृषि क्षेत्र में। कैसे, सुनिएगा। छिपी हुई बेरोजगारी से यह आशय है, या फिर छिपी हुई बेरोजगारी का यह मतलब हुआ जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो। छिपी हुई बेरोजगारी की अवधारणा प्रोफेसर नकर्स ने दी थी। किसने दिया था, देख लीजिएगा, इनका नाम बहुत अजीब सा है, ये प्रोफेसर नकर्स ने दिया था, याद रखा है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छिपी हुई बेरोजगारी का अवधारणा किसने दिया था, तो ये बता देंगे आप, नक्श ने दिया था। छिपी हुई बेरोजगारी प्रायः सामान्यता जो है ये कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। छिपी हुई बेरोजगारी का यह भी मतलब हुआ कि देखने में तो रोजगार परक लगते हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार रहते हैं। ऐसा क्यों आप जानते हैं? हमारे भारत देश में अधिकतर लोग खेती करते हैं लेकिन हम एक किसान के घर से बिलोंग करते हैं। खुद आपको बता दें, कृषि में अगर 1,000 रुपये की लागत आती है, मतलब लागत लगती है, तो उसमें से जो इनकम होता है या प्रॉफिट होता है वो ना के बराबर होता है। अभी आप गेहूं की फसल बोते हैं, उसमें गेहूं की बीज, सिंचाई, मेहनत और मजदूरी सब जोड़ करके अगर आप निकालेंगे तो आपको 1 भी % प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन लोग करते हैं, क्यों करते हैं? दादाजी हमारे कहते हैं, मरता क्या ना करता, तो भाई करेंगे क्या, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं ना। और यही वजह है कि अक्सर जो किसान है वो ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ करके शहरों में जा करके मजदूरी करना पसंद कर रहे हैं लेकिन खेत बाड़ी करना बंद कर दे रहे हैं। ऐसा हो रहा, अगर ये होता रहा ना तो एक दिन भारत की बहुत दुर्दशा हो जाएगी। ये फैक्ट्रियों में अनाज नहीं बनेंगे, खेती में ही उगेंगे। अगर खेती नहीं होगी तो ये जो एसी और कूलर में बैठने वाले बड़े बड़े अधिकारीगण होते हैं ना, ये मिट्टी नहीं खाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। चिंतनीय विषय है। चलिए आगे चलते हैं फिलहाल अगले सवाल पे। लारेंज वक्र क्या दर्शाता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आय वितरण, गरीबी। लारेंज वक्र क्या दिखाता है आपको? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी 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 मतलब आय वितरण। आय वितरण जानते हैं, लारेंज वक्र के माध्यम से आय वितरण को दर्शाया जाता है। यह वक्र कुल आय व आय प्राप्तकर्ताओं के मध्य व्याप्त विषमता को दर्शाता है। इस वक्र के अनुसार यह दर्शाया जाता है, मतलब कि दिखाया जाता है कि देश के कुल आय में 50% या 60% आबादी को कितना भाग मिल रहा है तथा 5% या 10% धनी लोगों को कितना प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है। जबकि मुद्रास्फीति बाजार की ऐसी स्थिति है जिसमें मूल्य का मूल्य गिरता है तथा वस्तु की कीमत स्तर में वृद्धि होती है। इसका मतलब जानते हैं आप? अगर भारत की कुल संपत्ति, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर भारत की कुल संपत्ति जो है वो 100 अरब करोड़ होगी, ठीक है, मैं आपको एक अनुमानित बता रहा हूँ, कोई एक कन्फर्म या फिर किसी डेटा से रिलेटेड नहीं है। मानते हैं कि आप मान लीजिए कि 100 अरब डॉलर या लाख करोड़ कुछ भी मान लीजिए है, तो उसमें से जो 5 या 10% बड़े बड़े व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं, जैसे आप लोग जानते हैं अडानी अंबानी अपने इंडिया की, तो उनके पास 100 में से कितना होगा जान रहे हैं आप? 70 या 80% उनके पास होगा, बाकी 20-30% में पूरे भारतवर्ष वाले हैं। समझ रहे हैं ना, ऐसा होता है। और यही वजह है जिसे कहते हैं क्या, विषमता, आय में विषमता। आगे चलें अगले सवाल पे। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? 85%, 70%, 55% या 60%? कितनी आबादी है जो खेती कर रही है भारत की, जल्दी से बताइए। पांचवा सवाल जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे, आप लोग देख रहे हैं, उनके सही जवाब आपको बताने हैं, तो मैं आपको बता दूं उसके पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी 55%। जी पहले ये और भी ज़्यादा थी, धीरे धीरे घटती जा रही है, और 2011-12 की जनगणना, मतलब कि 2011-12 के अनुसार है, अभी देखेंगे आप ना तो ये अभी और कम हो जाएगी। ये तो 11-12 के अनुसार 55% है ना, अभी 18-17 का निकालेंगे ना तो ये 40% आ जाएगी, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे ना ये घटते हुए 0% पर चली जाएगी, मतलब कि लोग कृषि करना बंद कर देंगे। ऐसा क्यों कर देंगे? क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, वो किसान जो रात्रि के 12 बजे भी गेहूं की सिंचाई करता है, उस टाइम करता है जब आपको अपने कमरे और बिस्तर पे रजाई में लेटने पर भी ठंडी लगती है, उस समय वो पानी में खड़ा होता है लेकिन उसको नहीं लगती ठंडी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस क्लास में हम ये सभी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी ही इसके जिम्मेदार हैं, हम सभी इसके जिम्मेदार हैं, इसमें कोई अगला नहीं जिम्मेदार है। वो गर्मी का महीना मई जून जिसे आप बोलते हैं, क्या मई जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, अप्रैल मई में, उस समय जब आपके रूम में फैन चलता रहता है अकेले, तो कहते हैं भाई बिना एसी की गर्मी लग रही, फैन की जो हवा बहुत गर्म आ रही है, उस समय कोई किसान खेत में गेहूं की मड़ाई करता रहता है उस धूप में, वहाँ कोई पंखा, कोई एसी, कोई कूलर नहीं होता है। और यही रीजन है कि ये कृषि की जो प्रतिशतता है ना कृषि कार्यों में, वो घटती जा रही है, 55% से 40% हो गई होगी, नहीं तो ये 45-50 तक तो पहुंच ही गई है। ये जो जनगणना आप, ये माफ़ करिएगा, जो आंकड़ा आप देख रहे हैं ये 2011-12 का है,
ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, आप लोग इसके बारे में मंथन अवश्य करें और अपने विचारों को कमेंट करें। अगले सवाल पे चलते हैं। 14वें वित्त आयोग के ने कर वसूलरी, भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ लिखा रह गया है, ये टाइपिंग वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर दिए हैं। मैं इनको बार बार समझाता हूँ लेकिन फिर भी ये कुछ गड़बड़ ही कर जाते हैं। देखिए, यहाँ पर वसूली होगा, 14वें वित्त आयोग ने कर वसूली से होने वाली निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ा करके कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है। जो 14वां वित्त आयोग आया है उसमें कर वसूली से होने वाली निवल आय में राज्यों का हिस्सा 32% से बढ़ा दिया गया है, कितने प्रतिशत किया गया? 35%, 40%, 42% या 45%? जल्दी से कमेंट करें। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 42%। पहले 35% था, इसको बढ़ा के, वो सॉरी 32 था, इसको बढ़ा के 42 कर दिया गया है। 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को आरबीआई के पूर्व गवर्नर माफ करिएगा, वाई बी रेड्डी, ठीक है, वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। इसने केंद्र सरकार के कर संग्रह में से राज्यों को मिलने वाली 32% हिस्सेदारी में 10% की वृद्धि करते हुए 42% करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। समझ गए? चलें आगे, अगला देखिए। वे वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उन्हें क्या कहते हैं? आवश्यक वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, या फिर इनके दो ऑप्शन आपको नीचे भी दिख रहे होंगे, छुपे छुपे विलासिता वस्तुएं या गिफिन वस्तुएं। जल्दी से बताएं, ज़्यादा टाइम नहीं आपके सामने, तो मैं आपको बता दूं, उन्हें कहते हैं गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं जानते हैं क्या होता है? गिफिन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है। मतलब कीमत भी बढ़ी और खपत भी बढ़ गई, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वह वस्तुएं जिनकी खपत कीमत के साथ बढ़ जाती है गिफिन वस्तुएं कही जाती हैं। सर रॉबर्ट गिफिन ने सिद्ध किया कि ब्रेड की कीमत बढ़ जाने पर भी उपभोक्ता मांस, सब्जी आदि महंगी वस्तुओं को त्याग कर ब्रेड को ही स्वीकार करते हैं, यानी कि खरीदते हैं, अतः ब्रेड एक गिफिन वस्तु बन जाती है। मतलब आप समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? गिफिन वस्तु क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा, अगर टमाटर की कीमत बढ़ जाती है, भिंडी आलू गोभी की कीमत बढ़ जाती है, तो क्या उसकी मांग थोड़ी घट जाती है कि लोग सब्जी खाना बंद कर देते हैं? उसकी वृद्धि, आवश्यकता, मूल्य भी, मतलब सब कुछ बढ़ता है साथ में। आगे चलें, नहीं समझ पाए होंगे आप लोग तो कमेंट करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा, आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर जो हम दिखाऊं मैं आपको, उसको बताएं, गलत सही कुछ भी बताएं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। जल्दी से बताइए कौन करता है ये सब। हो गए कमेंट्स? तो चलूं मैं आगे। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आपको बताते हैं, लेकिन आप लोग अगर नहीं बताएंगे ना तो बहुत गड़बड़ है, बस इतना जान लीजिए। और आगे मैं क्या बोलूं, इसका उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा, जिसे इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं, ईएस, वित्त मंत्रालय दस्तावेज हैं जिन्हें विगत 12 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रमुख विकास कार्यक्रमों निष्पादन का सार प्रस्तुत करता है। इस दस्तावेज को बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। समझ गए ना? तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। मुद्रा क्या है? विकास और पुनरावृत्ति एजेंसी। कृषि सीमा योजना, खोजा गया नया ग्रह, या शहरी नगरीकरण, क्या है ये? मुद्रा क्या है? व्हाट इज मुद्रा? जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए ऑप्शन, विकास और पुनर्वित्तीय एजेंसी। सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु धनहीन को धन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत मुद्रा, जिसे MUDRA मतलब माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी का गठन किया गया। मतलब जानते हैं, आपने सुना होगा मुद्रा क्या है, मुद्रा का फुल फॉर्म आपने सुना कभी क्या होता है? ये मुद्रा मतलब जानते हैं? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं आप पूरा लिख नहीं सकता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको स्पेलिंग लिख के दिखा देंगे। यम मतलब माइक्रो, यू मतलब यूनिट, डी मतलब डेवलपमेंट, एंड
अपनेस लगा लेंगे इसमें, एंड का कोई नहीं दिया गया है। मुद्रा मतलब जानते हैं, यम से। देखिए फिर से देख लीजिएगा भाई, आप लोग को डिस्टर्ब हो रहा होगा। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यहाँ एंड के लिए ए नहीं है बीच में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप एंड खुद लगाएंगे, ठीक है, या फिर ना भी लगाएंगे तब भी सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। इस तरह से आप लास्ट सवाल देख लीजिए इस क्लास का, 10वां सवाल, और आपसे हमारी विशेष रिक्वेस्ट रहेगी इस क्लास के ख़त्म होने के बाद अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में घोषणा की गई थी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, सभी लोग जानते हैं, मोदी मोदी करते रहते हैं, तो आप लोग जान गए होंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की वित्तीय मदद उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा बैंक या फिर मुद्रा योजना, जिसे माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी के नाम से जाना जाता है, की शुरुआत किया था। देश के लगभग 6 करोड़ कारोबारियों को ध्यान में रखकर मुद्रा बैंक शुरू करने का भी फैसला किया गया। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से आपकी अगली क्लास के साथ उपस्थित हूँगा। टाइम के शेड्यूल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करेंगे, और अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, कमेंट करना आपको नहीं आता तो फ़ोन कॉल तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आप समझदार हैं। आप इस नंबर को याद कर लें, 97-93-48-84-48, इस नंबर पर आप फ़ोन कॉल में भी संपर्क कर सकते हैं, और हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने वाले ध्यान देंगे कि इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज लिखने के बाद अपना नाम वगैरह भेज देंगे, और नाम भेजने के बाद में क्या करेंगे, देखिए भाई ये गड़बड़ है ऊपर वाला, ठीक है, नाम भेजने के बाद आप थोड़ा इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हमारा व्हाट्सअप का स्टेटस आपको दिखने लगेगा थोड़ा समय बाद, फिर आप सारी अपडेट हमारे व्हाट्सअप के स्टेटस से प्राप्त कर सकेंगे। कॉल करने के लिए आप और भी नंबर नोट कर सकते हैं जो कि आपके सामने हैं, इन नंबरों पे आप अपने दिल की बातों को शेयर कर सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं क्लास के बारे में, टाइम के बारे में, शेड्यूल के बारे में। एक बात याद रहे, आपकी हर दिन क्लास होती है इसी तरह की, ये कोई नई नई नहीं होती है, लेकिन यूट्यूब पर हो सकता है आपको ना दिख रही हो, तो इन नंबरों को नोट कर लिया आपने, अगर नहीं कर पाए तो वीडियो को फिर से पीछे करके देख लीजिएगा और संपर्क करिएगा, आपको सभी क्लास मिलेंगी आपके घर आंगन, बाग बगीचे, खेत खलिहान, जहां भी आप होंगे, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी होंगे, हर जगह आपकी क्लास पहुंचेगी। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग डिपार्टमेंट नंबर 94-55-63-38-37 पर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से आपसे एक बार बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ आपको, और अगली क्लास में फिर से एक नई उम्मीद, एक नए क्लास के साथ, थैंक यू।